हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों सुबह के समय 8:30 बजने वाले हैं और दोस्तों हम सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। देखिए दोस्तों, सुबह की शुरुआत हमारी चाय के साथ हो रही है। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट करके। और मनीषा जी दोस्तों अपने काम में लगी हैं, यानी कि वो खाना वाना बना रही हैं और बाकी लोग अपने अपने काम में दोस्तों लगे हुए हैं। छोटी भी उठ गई है, बाहर है। तो चलिए दोस्तों आपको बाहर ले चलते हैं और दिखाते हैं दोस्तों कि लोग क्या क्या कर रहे हैं बाहर और कौन कौन सा काम हो रहा है दोस्तों। तो चलिए चाय पीते हैं और आपको बाहर ले चलते हैं। आइए दोस्तों, ये दरवाजा हम खोलते हैं। आज तो मौसम काफी अच्छा है। छोटी देखिए दोस्तों, 8:30 बजने वाले हैं। छोटी क्या कर रही हो? चाय पी रही हो? गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। आइए दोस्तों आपको अब बाहर ले चलते हैं। बाहर के लोकेशन में देखिए कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है हमारे बगीचे में और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। धूप अभी नहीं हुई है, मौसम हल्का बदली से छाया हुआ है। और आइए आपको ले चलते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे मनीषा जी सुबह से ही लगी हुई हैं। सारे काम छोड़कर सबसे पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है। हेलो मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे क्या हैं आप स्पेशल आज? सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया से होंगे। तो अभी दोस्तों सुबह का हम बना रहे हैं खाना और आज हम जो है कि चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो है कि दाल चावल बना चुके हैं, अभी हम बना रहे हैं रोटी। तो देखिए दोस्तों, मनीषा जी यहाँ पे खाना बना रही हैं चूल्हे पर देसी स्टाइल में और काफी अच्छा लग रहा है। मनीषा जी ने देखिए आज आप पता नहीं क्या कर दिए, मेरी रोटी फूली ही नहीं, क्या बात है, फूली ही हम नहीं। तो कुछ नहीं किए हैं, आपका ध्यान कहीं और था। देखिए दोस्तों इनका ध्यान कहीं और था, दुर्घटना घट गई और रोटी जल गई। तो दोस्तों ये देखिए, ये है कोहड़ा और एक कोहड़ा था दोस्तों, इसी में से इतना काट के ये दाल बनाई है और ये तो काफ़ी बढ़िया कोहड़ा लग रहा है दोस्तों, इधर गुदेदार वाला इसी का दाल बना है। और अभी अभी आप तड़का लगाने वाली है ना? अभी तड़का लगा, ये देखिए दोस्तों तड़का के लिए क्या रखी है, ये तड़के के लिए रखी है ये करी पत्ता है और ये लहसुन और हरा मिर्च है। इसका अभी ये तड़का लगाने वाली है दाल में छौंका, तो ज़बरदस्त हो जाएगा दाल। तो सुबह के लंच में दोस्तों हमारे खाने में आज यही है। और अक्सर दोस्तों हमारे यहाँ यूपी में दोस्तों हमारे यहाँ तो अक्सर कहिए बनारस में या आसपास कहीं पे भी दोस्तों सुबह का रूटीन मुझे लगता है यही होगा, दाल चावल रोटी सब्जी। और बाकी जगह का तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन अपने यूपी में तो ज़रूर ऐसा होता है। और आप लोग की तरफ दोस्तों क्या सुबह का रूटीन होता है मैक्सिमम, आप हमें बताइएगा, कमेंट करके शेयर करिएगा दोस्तों। इडली डोसा सांभर, इडली डोसा बता रही है मनीषा जी, ये तो साउथ का हो सकता है, अपने यूपी बिहार में तो नहीं होगा इस तरीके से। हाँ, दाल चावल रोटी ही होगा। तो चलिए दोस्तों खाना वाना बना के खाली हो जाती हैं मनीषा जी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। धुआं लग रहा है, बहुत तेज धुआं लग रहा है, आज हवा बहुत तेज चल रही है। मौसम तो बढ़िया है, धूप उप नहीं किया है लेकिन हवा चल रही है बहुत तेज। जब हवा चलती है ना तो अच्छे से आग भी नहीं जल्दी जलता है, घर घर तो हवा इधर उधर मारता है तो चूल्हे पर सही से आग नहीं लग पाता है, तो रोटी अच्छे से नहीं बन पाती है, खाना नहीं बन पाता अच्छे से। खाना अच्छे से बनता है पर दिक्कत होती है, धुआं लगता है। देखिए नहीं अब तो रोटी जल जाएगी, सही उसको नहीं यार, आप हमको सिखा रहे हैं। नहीं आपको रोटी बनाने आता है? रोटी बनाने आता है हमको, लीजिए खिला के दिखाइए। खिला देंगे, दीजिए इसको रहने दीजिए लास्ट में। अरे ये तो फूलने वाला था दोस्तों, इसलिए चलाकी कर दी, ये तो फुलाई देंगे। देखिए देखिए लास्ट वाला फूल गया,
ठीक रखिए उसको, हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, आप अपना देखिए ताकि। आइए दोस्तों अभी हम देखते हैं, ये दिखाएंगे मिल्खा जी कैमरे से, चलें। हाँ चलिए। ये छोटी के लिए बनाई है, इतना छोटा सा। हाँ। तो लग रहा है छोटी के लिए है, इतनी छोटी सी रोटी है, फूल जाएगा। दिखाइए तब तो जाने। जल रहा है तावा। अच्छा अभी कुकर वाला खाई ना, चला ठीक है, रख लो। देखिए दोस्तों तवा बहुत तेज जल रहा है, इतना देखा छौका मौका कुछ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सासू माँ भी आ गई हैं और ये रोटी फुला रहे हैं। तो ये चैलेंज है मेरे लिए। ये वाली रोटी से इतनी बड़ी रोटी है, अब फुलाइए आप, देखिए हम भी जरा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप तो बहुत बढ़िया फुलाए, ऐसा ऐसा फुलाए कि 9 महीना के बाद ही पचकेगा। चैलेंज मैंने जीत लिया है, अब क्या कहेंगे, ये देखिए फुली फुली रोटी। आप क्या सोचते, बस आप ही को बनाने आता है क्या? नहीं, आपको भी आ गया बनाने। तो देखिए दोस्तों हमारी जो है कि पूरी रोटी बन गई है, बन गया एकदम जबरदस्त। अब चलिए तड़का लगाते हैं दाल में। रोटी बना लिए हैं, अब चलिए दाल में तड़का लगाने के लिए इस ढक्कन को खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैस है, इस तरह से सूजी को उठा लेते हैं और ढक्कन को खोलते हैं। हाँ छोटी आ जाओ। नहीं नहीं सीटी हम खोल दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पूरा खाना बनाकर तैयार कर लिए हैं, दाल भी बन गई है हमारी और चावल भी बना लिए हैं, और यहाँ पर देखिए थाली में निकाल दिए हैं पापा के लिए। तो चलिए पापा को खाना देते हैं दोस्तों, और फटाफट से ये सब खलिया कर जो है कि मांस धो लेते हैं, इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों शाम के जो है कि शाम कहूँ कि दोपहर कहूँ, अभी जो है कि 3:30 बज रहे हैं, और देखिए मौसम काफी बढ़िया हो गया है, बहुत तेज हो रही है बारिश, बारिश हो रहा है, और तो। बारिश में तो हेलो दोस्तों, जबरदस्त बारिश हो रहा है। ये देखिए बाहर मत जाइए दोस्तों, अचानक से मौसम गड़बड़ हो गया और बारिश जम के होने लगा दोस्तों। बर्फ बारिश में दोस्तों चाय वो पीने का मन कर रहा है, एकदम पकौड़े खाने का मन कर रहा है। मुझे पता था कि आप कहेंगे, इसलिए मैं पहले ही बना रही हूं। और दोस्तों शाम भी हो गया है, तो शाम हो गया है तो समझ ही रहे हैं जो है कि बड़ा मस्त मौसम हो गया है, एकदम चकाचक। तो लीजिए आप पकड़िए, हम थोड़ा सा देखिए किचन में। और हम दोस्तों अभी शॉप में से आए हैं, मनीषा जी भी शॉप में से अभी आए हैं, पापा गए हैं शॉप में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मनीषा जी करी कुछ नाश्ता बनाने वाले हैं, और मौसम तो बड़ा जबरदस्त हो गया है। और किसान है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, फ्राइडे ही हो रहा है। हाँ, कल से पेपर स्टार्ट है। कौन सा? मोरल साइंस और जीके। अच्छा, क्या ये टेस्ट है कि एग्जाम वाला? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली एग्जाम किसान का चालू होने वाला है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, टीवी कम देखिए, कार्टून कम देखिए, और इधर देखिए दोस्तों, इधर छोटी छोटी पता नहीं कहाँ है, शायद उधर टीवी देख रही है मम्मी वाले रूम में। आइए दोस्तों आपको लेके चलते हैं। क्या बना रही हैं मनीषा जी, कुछ स्पेशल बना रही हैं क्या आज? आज कुछ स्पेशल नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं सिंपल, लेकिन कुछ अलग बना रहे हैं। अरे खुशबू कितना तेज आ रहा है। तो देखिए दोस्तों बारिश हो रही है, और मुझे पता था कि बारिश में जो है कि इनको चाय
चाहिए है, इसलिए हम जो है कि चाय चढ़ा दिए हैं गैस पे। चाय भी हमारी पक रही है तो थोड़ा सा चटपटा चाय के साथ चिपता है। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर चिप्स रखा हुआ था, आज पीने तो चिप्स जो है कि छान देती हूँ। दोस्तों आज पहली बार किशन भी बता रहा है कि बिना कहे काम हो रहा है मेरे, कि जो मन करता है कि वो चाहिए वो देखिए मिल रहा है दोस्तों, पकौड़ा और तो चाय। बता दो दोस्तों कि ये जो है कि कौन से तेल में छान रही हूँ, तो ये अचार का तेल जो है कि बचा हुआ था, हमारी मम्मी निकाली थी, तो उसमें हम सब्जी थोड़ा थोड़ा करके बना रहे थे ना, तभी महक रहा है, तो वो सब्जी जो है बहुत तीखा हो जा रहा था, तो मैं सोची कि इसका जो है कि थोड़ा सा बहुत महक आ रहा है, आज कम कर दीजिए, लग रहा है इसका चिप्स छान के देखूं। अरे यार जल जाएंगे, अभी तो तुरंत निकाली, गजब के आप हैं। नहीं, मैंने सोचा कि ठंडा हो गया खा ले। चलिए दोस्तों जल्दी से बना लेती है चिप्स और चाय, फिर इसका आनंद देते हैं बारिश में, दोस्तों खाते हैं बाहर कुर्सी पे बैठ के, आनंद लेते हैं मौसम का। ये है देखिए दोस्तों ये चिप्स आए। ये चिप्स नहीं है, ये जोलो चिप्स है। दोस्तों ये जोलो चिप्स सही कह रहे हैं किसान, क्योंकि ये अचार वाला तेल में है दोस्तों, बहुत तीखा है। बस इस पे काला मिर्च डालने का जरूरत है, उससे ये पूरा जोलो चिप्स 100% बन जाएगा। अच्छा चलती, मैं क्या कहता हूँ, क्या क्या करते हैं हम लोग जोलो चिप्स करते हैं। आइए दोस्तों दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये बाहर बारिश भी हो रही है और इधर जो है कि चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। ये है असली एंजॉयमेंट, बाहर बारिश हो रही है जम के, मौसम बहुत ही जबरदस्त है, और ये ऐसे मौसम में दोस्तों चाय पकौड़ी चिप्स मिल जाए खाने को तो बारिश का आनंद दोस्तों दुगना हो जाता है, और हम लोग ऐसा ही फीलिंग कर रहे हैं। इसमें बाहर खेत भी है दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है दोस्तों। आप लोग भी बारिश में एंजॉय करिए, और दोस्तों आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, अब फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।